उमेर ने इंतहाई गैर मुनासिब हरकत की है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो उर्वा से जाके बात कर सकता। खुदा का शुक्र है कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। ठीक कह रहे हैं आप, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं लेके जाना चाहिए था वहां पे उसको। आप तो जानते ही हैं, उर्वा ने 5 साल उसको अपने इश्क में मुब्तला रखा है। मैं तो ये सोच के बैठी थी कि शादी के बाद शायद वो उसका भूत उतर गया होगा, लेकिन नहीं। उर्वा का शौहर भी था वहाँ और उसके ससुराल वाले भी। यही तो, पहले ही उन्होंने उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया था। अब तो पक्का तलाक है। अल्लाह ना करे, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अरे मैं थोड़ी ये चाहती हूँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि उसका घर बसा रहे। आकाश में वहाँ होती, हम तो रुखसती करवा के निकल चुके थे। अभी अम्मी से आपके सामने तो बात हुई है मेरी। आप क्या उर्वा को लेके बैठी हैं? मुझे तो फरवा की टेंशन हो रही है। क्या देखना पड़ा उस लड़की को, वो भी इस हालत में। कितनी परेशान होगी वो, पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी। क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। क्या कर सकते हैं, जो मैं चाहती थी वो तो हो गया। बस काश ये इत्तला इसकी बहन तक पहुंचे। आखिरकार उसके मुंह दिखाई भी तो अभी तक दी हुआ है।